छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार का घोषणा किया था और घोषणा एक भी उसका पूरा नहीं हुआ। देखिए आजकल की जनता बड़ा साइलेंट रहता है, सुनती सबका है, करते अपने मन का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक, मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। इस वक्त हमारे साथ हैं चर्चित नाम भाजपा शासन में मंत्री रहे भैया लाल राजवाड़े, जो कि कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा से जीत कर आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या ऐसा लहर रहा कि अचानक से जनता ने मन बदल लिया और फिर से कांग्रेसियों को बाहर करके भाजपा पर विश्वास जता दिया। देखिए पहले सरकार बनाया कांग्रेस ने, छत्तीसगढ़ में 36 प्रकार का घोषणा किया था और घोषणा एक भी उसका पूरा नहीं हुआ। नरवा गुरुआ घुरुआ बारी के अलावा कुछ भी एक ठो काम ऐसा दिखा नहीं, और जितना भी घोषणा किया था उस घोषणा को भी पूरा नहीं किया। महिलाओं के लिए बोला था, युवाओं के लिए बोला था, बुजुर्गों के लिए बोला था, वृद्धा पेंशन बोला था, कुछ भी उसने नहीं किया। उसका आक्रोश था और आक्रोश जैसे हम लोग घोषणा किए इसके बाद तुरंत ये घोषणा कर रहा है, तो समझ गए लोग कि झूठ बोल रहा है। अगले बार का किया नहीं, फिर झूठ बोल करके और बढ़ा चढ़ा के घोषणा कर रहा है, तो इससे लोग समझ गए थे इसकी बात को, और समझ करके लोग साइलेंट थे और साइलेंट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट किए। अचानक से लोग कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट होगी, लेकिन किसी की उम्मीद नहीं था कि इस तरह की लहर आएगी और आंधी आएगी, कांग्रेस की सत्ता बह जाएगी। देखिए आजकल की जनता बड़ा साइलेंट रहता है, सुनती सबका है, करते अपने मन का है। कांग्रेस का सुने, लेकिन उनको जो देना था देख लिए थे कि हमको इस बार बदलना है, हमारे साथ धोखाधड़ी करके उस समय सभी का वोट लिया, किसानों से लिया, जवानों से लिया, महिलाओं से लिया, सबका वोट लेकर के तब तो 67 सीट लाया था ऐतिहासिक। तो झूठ बोलने का फायदा यही होता है ज़्यादा दिन नहीं चलता है, 5 साल चलाया इसके बाद देखिए ख़त्म हो गया। जब वो 5 साल सत्ता से बाहर गए, मंत्री थे आप, तो 5 साल देखिए कांग्रेस ने वहाँ पे भरोसा जताया, विधायक वहाँ पे चुन के दिया कांग्रेस से, तो आप देख रहे थे कि क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं और जो आपको लग रहा था कि जनता ने भरोसा इस पर जताया है और अब जनता उसको भुगत रही है, इस तरह की कुछ चीज़ें सीनियर देखिए, क्योंकि आप इतना अनुभवी हैं आप। अरे भाई हम क्यों बोले, बोले बढ़िया है जो कर रहा है, आपके फायदे में जाएगा, जो बोएगा वही काटेगा, तो जैसा बोई थी हो वैसे काटी है। चुनाव से ठीक पहले वो क्या बोले रमन सिंह जी या संगठन की तरफ से, भैया लाल जी तैयार हो जाइए चुनाव लड़ना है, क्या बोले? हमको तो लड़ना ही था, बोलेंगे क्या, हमारी परफॉर्मेंस ठीक था, जनता से सर्वे करवाए होंगे, जनता का सर्वे में ठीक ठाक आया तो मुझको टिकट दे दिया। हाँ, क्योंकि बोल रहे थे कि इस बार भैया लाल जी को नहीं देंगे, भाई कोई दूसरा जब विकल्प तैयार कर रहे थे, तो वहाँ पे लगा क्या इस बार वो पार्टी शायद ना दे मौका? ऐसा कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। अब कोरिया में 5 साल में क्या लगता है, आगे बढ़ा कि पिछड़ गया जो कांग्रेस की सत्ता ही 5 साल? अरे कांग्रेस की सत्ता 10 साल पीछे छोड़ दी। फिर अब आएंगे अपन, फिर नए से सुधार करेंगे, फिर काम चालू करेंगे। ये 5 साल में स्वास्थ्य आपका काफ़ी डाउन हो गया है, स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी रही? कोई डाउन नहीं है, अभी 1 महीना तक कंटिन्यू चला। अच्छा, पूरा भागदौड़ चला? भागदौड़ चला और तब से चल ही रहा है। अब तो सत्ता में भी आ गए साहब, आप थोड़ा सा तंदुरुस्त हो जाएंगे? ऐसा तंदुरुस्त हो जाएंगे बिल्कुल, इनका कहना है सत्ता में आ गए, निश्चित रूप से भागदौड़ रही है चुनाव के दौरान, अब ये स्वस्थ हो जाएंगे। इनका जो कार्य है, इनकी एक्टिविटी है, निश्चित रूप से जनता के बीच में वो ये छाप छोड़ चुके थे कि भैया लाल राजवाड़े एक आम आदमी के लिए भी और किसी भी समय खड़े रहते थे, ये काफ़ी चर्चित नाम थे, इसलिए इनका जीतना कुछ आश्चर्यचकित नहीं करता है, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि भैया लाल जी को अगर टिकट मिलता है तो वो फिर से जीत कराएंगे और वो जीत कर पहुँच भी गए। अजय सोनी, रायपुर छत्तीसगढ़ तक।